My question is, will we be left alone, high and dry, to cope with a crisis which we did not create, not of our doing? Where from and how to begin with to rehabilitate and reconstruct after the rescue and relief effort which is still going on for 12 long weeks for many of the lives we have saved? The future is dimmed by new fragility, lost homes, decimated livelihoods, deluged croplands, permanent food insecurity, and exposure to uncertain futures. वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब में डूबे पाकिस्तान की तस्वीर दुनिया के सामने रख दी। अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब के दौरान शहबाज शरीफ का आलमी बरादरी से शिकवा। बोले, हमें इस तबाही का सामना है जिसे लाने में हमारा 1% हिस्सा नहीं। मौसमियाती तब्दीलियों से आई तबाही ने पाकिस्तान को डबो दिया, क्या हम ऐसे बहरान में अकेले रह जाएंगे? वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, तबाहकुन सैलाब से 3,30,00,000 से ज़ायद लोग मुतासर हुए, लाखों लोग बेघर हो गए, $30 अरब का नुकसान हुआ। सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करने पर एंटोनियो गुतरेस का शुक्रगुजार हूं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा अमरीका के बाद लंदन रवाना। अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब और पाकिस्तानी सफीर ने अलविदा किया। इंडियाज इल्लीगल एंड यूनिलैटरल एक्शंस ऑफ 5th अगस्त 2019 टू चेंज द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड disputed status of Jammu and Kashmir and to alter the demographic structure of the occupied territory further undermined the prospects of peace and inflamed regional tensions. India's ruthless campaign of repression against Kashmiris has continued to grow in scale and intensity. शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान भारत के साथ पुरान ताल्लुकात का ख्वाहां, लेकिन इस कदारोमदार मसला कश्मीर के हल से मशरूत है। कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत मिलना चाहिए। जनरल असेंबली से खिताब के दौरान कहा, अमन से रहने या लड़ने का फैसला हमने खुद करना है। वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान के मुंजमद असासों की बहाली पर भी जोर, कहा अफगान हुकूमत को तन्हा छोड़ने से मसाइल बढ़ेंगे, अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप हमारे लिए खतरा हैं। इस्लामोफोबिया एक बैन अल-अक़वामी मसला है। हम इसराइल को भी कहते हैं कि अपनी जारियत फौरी बंद करें। अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नाबीना कौंसलर साइफा सलीम का भारत को करारा जवाब, कहा भारत अपने मुल्क में मुसलमानों के बुनियादी हकूक़ की पामाली कर रहा है, भारतीय हुकूमत कश्मीरी आवाम पर जुल्म ढा रही है, मकबूजा कश्मीर में मावराए कत्ल जारी है, मोदी हुकूमत मुसलमानों के मजहबी मकामात को नुकसान पहुंचा रही है, भारत में अकलियतों को हिंदुत्व नजरिए से निशाना बनाया जा रहा है। मंचर झील के पानी की सतह में मजीद 3.5 इंच कमी। यूनियन कौंसल बूबक और जाफराबाद में भी सैलाबी पानी की सतह गिरने लगी। हुकाम का कहना है, भानसईदाबाद ग्रिज स्टेशन से सैलाबी पानी के मुकम्मल अखराज में मजीद कुछ दिन लगेंगे। इंडस हाईवे पर कट के बाद सैलाबी इलाकों में पानी की सतह में नुमाया कमी, आने जाने के रास्ते खुल गए, मुतासरीन अपने अपने इलाकों की तरफ रवाना। उधर रिलीफ कैंप्स में सहूलियात का फुकदान बरकरार, मुतासरीन को साफ पानी मिल सका, नामया खाना, मलेरिया और गैस्ट्रो बेकाबू, महकमा सेहत का कैंपों में स्प्रे करवाने का दावा। मदीन की परान नदी का शगाव 27 रोज बाद भी बंद ना किया जा सका। पानी की सतह बुलंद होने से कमजोर पुश्तों पर पानी का दबाव बदस्तूर बरकरार। रास्ते मुतअद्दिद पुल तबाह होने से सैकड़ों देहातों के जमीनी राब्ते ताहल मुनकता। शगाव के बाइस 6 यूनियन कौंसल, सैकड़ों देहात और हजारों एकड़ अराजी बदस्तूर ज़ेरे आब। दरिया सिंध लेफ्ट बैंक के इलाका पानी का इनकास जारी रहने से LBOD में पानी की सतह बदस्तूर बुलंद। हजारों मुतासरीन ताहाल रास्तों पर खुले आसमान तले बेयारो मददगार, पनाह लेने पर मजबूर। ताज़ी रात पाकिस्तान में बगावत की दफ़ा 124A कलदम करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अदर मिनल्ला ने दरख्वास्त नाकाबिले समात करार देकर खारिज कर दी।
पीटीआई रहनुमा श्री मजारी ने ताजी रात में पाकिस्तान की दफा 124A कलदम करार देने की इस्तदा की थी। लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज की पासपोर्ट वापस लेने की दरख्वास्त 27 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। मरियम नवाज ने अदालती तहवील से पासपोर्ट वापस लेने के लिए रुजू कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब हुकाम और दीगर से जवाब तलब कर रखा है। इस्लामाबाद से डायरेक्टर सेफ सिटी की फंदा लगी लाश बरामद। डायरेक्टर सेफ सिटी की लाश थाना खन्ना के इलाके से बरामद हुई। अब्दुल कदीर इस्लामाबाद पुलिस में ग्रेड 19 के ऑफिसर थे। आईजी इस्लामाबाद का नोटिस, डीएचजी ऑपरेशंस को केस की हर पहलू से शफाफ तहकीकात के अहकाम। पुलिस का कहना है तफ्तीश जारी है, हकायक शेयर किए जाएंगे। मुजरिमों को NRO 2 देकर मुल्क को कौम से संगीन मजाक किया गया, इसे किसी तौर कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान का पीटीआई सेनेटर्स और इस्लामाबाद में तालिबात कन्वेंशन से खिताब, कहा चोरों ने मुल्क पर कब्जा कर लिया, हर रोज इनके केस मुआफ हो रहे हैं, जेलें खोल दें, गरीबों का क्या कसूर है। तंबी के बावजूद अच्छी भली मुस्तहकम मुईशत को तबाही के गढ़े में उतार दिया गया। गैर यकीनी की कैफियत मुईशत के लिए जहर कातिल है। इंतखाब के ऐलान से ही गैर यकीनी का खात्मा होगा। तहरीक इंसाफ हुकूमत मुखालिफ मार्च के लिए तैयार। इमरान खान की जानिब से मार्च के ऐलान की हतमी तारीख का ऐलान आज मुतवक्के। जिला सतह पर कारकुनान को 29 सितंबर तक तैयारी के अहकाम दे दिए गए। इमरान खान अक्टूबर में इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे। सीनियर पार्टी जरा के मुताबिक ये तय हो चुका, सितम्बर में ऐलान और अक्टूबर में हुकूमत मुखालिफ मार्च होगा। वज़ीर आज़म ने सोचे समझे बगैर अमरीकी टीवी से बात की। शहबाज शरीफ के इंटरव्यू से मुईशत के लिए मसाइल खड़े हो गए। रहनुमा पीटीआई असद उमर की कराची में मीडिया से कहा, आज कल तो जरा सी बात पर तौहीन हो जाती है। पाकिस्तान के हालात इस वक्त खतरनाक हैं, ये तो महंगाई खत्म करने आए थे, समझ नहीं आता इनको क्यों बिठाया हुआ है। शहबाज गिल के खिलाफ इदारों में बगावत पर उकसाने का मुकदमा। सेशन जज की रुख्सत के बाद शहबाज गिल केस की समाअत 30 सितंबर तक के लिए मुलतवी। शहबाज गिल केस का ट्रायल कौन करेगा, फैसला 30 सितंबर को होगा। मौसम की अंगड़ाई, लाहौर में रुत बदल गई। शहर के कई इलाकों में गुज़श्ता रोज से बारिश वक्फे वक्फे से जारी। सुबह सवेरे बादलों की इनिंग स्टार्ट, कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश, हवा में खुनकी आ गई। और कनाडा की 14 साल लड़की ने 30 सेकंड में 22 जुराबे पहनने का गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। कैरोलिना क्रूज के रिकॉर्ड को उसकी वालिदा ने रिकॉर्ड किया। गिनेस बुक ने कैरोलिना को रिकॉर्ड बनाने का सर्टिफिकेट भी दे दिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वामे मुत्तहिदा में खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली से तबाही का सामना है। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेगा। वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मसालिम पर पर्दा उठाते हुए कहा, भारत को समझना चाहिए जंग ऑप्शन नहीं है। मकबूजा कश्मीर में भारत के यकतरफा इकदाम से अमन अमल अपना दौरा अमरीका मुकम्मल करके लंदन के लिए रवाना हो गए। वज़ीर आज़म के न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पर अक़वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर पाकिस्तान ने रुख्सत किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपना दौरा अमरीका मुकम्मल करके लंदन के लिए रवाना हो गए। 5 रोज़ा सरकारी दौरा था जो कि मुकम्मल करके लंदन के लिए रवाना हो चुके। वज़ीर आज़म को न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पर अक़वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर पाकिस्तान ने रुख्सत किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा अमरीका मुकम्मल करके लंदन के लिए रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म को न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पर अक़वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर पाकिस्तान ने रुख्सत किया। लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज की पासपोर्ट वापस लेने की दरख्वास्त
27 सितंबर को समाप्त के लिए मुकर्रर कर ली गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाप्त करेगा। मरियम नवाज ने अदालती तहवील से पासपोर्ट वापस लेने के लिए रुजू कर रखा है। लाहौर हाईकोर्ट ने नैब हुकाम और दीगर से जवाब तलब कर रखा है। आपको बता रहे हैं, मरियम नवाज ने अदालती तहवील से पासपोर्ट वापस लेने के लिए रुजू कर रखा है। लाहौर हाईकोर्ट ने नैब हुकाम और दीगर से जवाब तलब कर रखा है। अहम खबर जिसे आपको अपडेट कर रहे हैं के लाहौर हाईकोर्ट में मरियम नवाज की पासपोर्ट वापस लेने की दरख्वास्त 27 सितंबर को समाज के लिए मुकर्रर। और तासीरात पाकिस्तान में बगावत की दफा 124A कालादम करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने दरख्वास्त नाकाबले समाअत करार देकर खारिज कर दी। पीटीआई रहनुमा श्री मजारी ने तासीरात पाकिस्तान की दफा 124A कालादम करार देने की इस्तदा की थी। दरख्वास्त गुजार ने लिखा था कि बगावत की दफा आईन पाकिस्तान में दिए गए बुनियादी हकूक से मुतसादम है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, इस्लामाबाद से डायरेक्टर सेफ सिटी की फंदा लकी लाश बरामद हुई। डायरेक्टर सेफ सिटी की लाश थाना खन्ना के इलाके से बरामद हुई। अब्दुल कदीर इस्लामाबाद पुलिस में ग्रेड 19 के ऑफिसर थे। आईजी इस्लामाबाद का नोटिस, डीआईजी ऑपरेशन को केस की हर पहलू से शफाफ तहकीकात की अहकामात। पुलिस का कहना है तफ्तीश जारी है, हकायक शेयर किए जाएंगे। आपको बताएं, डीआईजी ऑपरेशन को केस की हर पहलू से शफाफ तहकीकात करने के अहकामात दिए गए हैं और यह भी कहा गया है कि तफ्तीश को सबसे शेयर किया जाएगा। इस्लामाबाद से डायरेक्टर सेफ सिटी की फंदा लकी लाश बरामद हुई। डायरेक्टर सेफ सिटी की लाश थाना खन्ना के इलाके से बरामद हुई। अब्दुल कदीर इस्लामाबाद पुलिस में ग्रेड 19 के